हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल ट्रेड विद एसटीएम ऑन वीकेंड एनालिसिस पे। सो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी चार्ट से। सो जैसे कि देख सकते हैं आप, मंथली, वीकली और डेली चार्ट लगा हुआ है। सो शुरू करते हैं मंथली चार्ट से। सो मंथली चार्ट अगर देखें तो फेब्रुअरी का जो ये कैंडल है वो भी अभी रेड से शुरू जरूर हुआ है, बट आप देख सकते हैं यहाँ का जो RSI जो है वो 60 के ऊपर ही है। अभी तक 60 को ठीक से टच नहीं किया है, ओके, जो कि सपोर्टिंग क्लियर आ रहा है। तो मंथली चार्ट अभी स्टेबल है, सही है। अब आते हैं वीकली चार्ट की तरफ। सो दिस इज वीकली चार्ट। यहाँ पे दो चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो है, पहला तो आप अगर देखें ये 20 मूविंग एवरेज को, ये जो दूसरा कैंडल बन रहा था यहाँ पे देखिए, ये रेड आने के बाद उसके बाद ये ग्रीन आया जो कि 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने नहीं दिया। और ये जो लास्ट फ्राइडे का भी जो कैंडल है वो भी क्लोज जो है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज आया है, जो कि अच्छा साइन है। यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है, मतलब 20 एवरेज को ब्रेक नहीं किया, इट मीन्स ये बेरिस नहीं है, ओके। और जहाँ तक बात करें RSI की, ये अभी भी 50 पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैं कहता हूँ 50 सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि 20 मूविंग एवरेज को नॉर्मली ब्रेक नहीं कर सकता, वैसे 50 RSI को जब तक ब्रेक नहीं करता और एक 40 वाला मतलब लेवल देखने को नहीं मिलेगा बेरिस, ओके। साथ ही साथ और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको मैं बोलिंजर बैंड्स को थोड़ा हाइट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर पता चले। ये CIP पे भी है, जिसको कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी। यहाँ पे देखिए, ओके, ये जो मैंने मार्क किया है वो सपोर्ट है, मतलब जो रेजिस्टेंस था वो भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड CIP। मार्केट ने जब हाई बना रहा था, ये हाई के बाद ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, देन जब वो ब्रेकआउट किया वो हाई बना के, अब वहीं से ही सपोर्ट बना रहा है, ओके, यहाँ से वो रिवर्स करने के लिए, जहाँ पे 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक नहीं हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। अब आते हैं डेली चार्ट की तरफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इंट्राडे के लेवल के लिए और एक BTS के लिए भी सही होगा। दिस इज डेली चार्ट। अब यहाँ पे देखिए, ओके, अगर आप चार्ट नॉर्मली देखते हैं और आप बोलिंजर बैंड्स को प्रॉपर यूज करते हैं, तो मैं नॉर्मली इसका शॉर्ट्स भी डाला हूँ और आप देख सकते हैं, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग यही है। आप देख सकते हैं ये दोनों कैंडल में क्या डिफरेंसेस है, दिस वन एंड दिस वन। मैं इसके ऊपर शॉर्ट्स भी डाला हूँ, ओके, आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है ये आउटसाइड है, ये जो कैंडल है इनसाइड है बैंड की, दिस इज कॉल्ड बैंड। ये जो बोलिंजर बैंड्स है ये बैंड है, ये एक नीचे आने के बाद एक आउटसाइड क्लोज आया और एक इनसाइड, ये डबल बॉटम बना है, ओके, दिस इज काइंड ऑफ ए डबल बॉटम, ओके। और साथ ही साथ ये इनसाइड और आउटसाइड एक स्टेबल कैंडल बनाया हुआ है, वो भी ग्रीन। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये जो स्टेबल होकर इनसाइड और आउटसाइड बना हुआ है। साथ ही साथ आपको RSI पे भी मार्क करके दिखा रहा हूँ, देखिए एग्जैक्ट उसी कैंडल के नीचे, ओके, ये आउटसाइड है और RSI भी देखिए इनसाइड है। यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स पे हुआ है आउटसाइड इनसाइड वॉलीटिलिटी डाइवर्जेंस, ओके, ये वॉलीटिलिटी डाइवर्जेंस है और ये है रेंज शिफ्ट RSI पे जो हुआ है। एक था जब आउटसाइड कैंडल बना तो RSI भी आउटसाइड था, और दूसरा कैंडल जो बना तब इनसाइड बना हुआ है, यह रेंज शिफ्ट हुआ है, करीबन कुछ 30 से जाके वो 40 पे सपोर्ट बनाया है, ओके। ये और एक एडवांस स्टेप है जहाँ पे वो रेडी है अपकमिंग कुछ लेवल के लिए, और उसका लेवल भी आप देख सकते हैं
मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था 45,500 के अंदर अगर क्लोज करे या 550 तक, ये तो बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है लास्ट फ्राइडे को 45,600 प्लस। तो अभी जो नियरेस्ट टारगेट है वो कुछ इस तरह का हो सकता है जो आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। ओके, ये कुछ इस पैटर्न का डब्ल्यू पैटर्न की तरह लुक भी दिखेगा, कुछ इस तरह ये बनाया और ये नीचे। तो आपको सीधी सी पता होगा कि आपका अपकमिंग जो टारगेट क्या है। पहले तो जो मैं नियरेस्ट ही बोलूँगा, 20 मूविंग एवरेज जो टच होगा 46,000, उसके लिए ऑलमोस्ट 400 पॉइंट अभी भी स्पेस है। और उसके बावजूद अगर 20 मूविंग एवरेज पे ये स्टेबल रहा और यहाँ पे 50 पे प्रॉपर क्रॉस किया, देन इट विल गिव ए गुड मूव फॉर अपवर्ड, जहाँ पे कुछ 47,000 लेवल का एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, और आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखा दे रहा हूँ, देखिए। अगर कोई मतलब यहाँ से क्लोजिंग के बाद अगर ट्रेड लिए हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है कि मार्केट जो है करीबन एटलीस्ट मैं इतना कह सकता हूँ ये लेवल को टच करके रिटेस्टमेंट कर सकता है 46,000 लेवल को, जहाँ पे 400 पॉइंट का और स्पेस है। अगर मार्केट किसी हिसाब से अगर ख़राब हुआ तो, अगर वहाँ से भी पॉजिटिविटी हुआ गैप अप के हिसाब से हुआ या जो भी, तो आगे के लिए और अच्छा स्पेस है। बट 46,000 का जो लेवल है वो नियरर है। ओके, अब आते हैं हावली चार्ट की तरफ, जहाँ पे आपको इंट्राडे पॉइंट एक छोटा सा दिखा दूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये हावली चार्ट पे ये 20 मूविंग एवरेज पे प्रॉपर आ चुका है, जो कि एज पर आवर एक्सपेक्टेशन ये कैंडल के यहाँ पे ही हम लोग का एंट्री था और ये हमारा स्टॉप लॉस था, ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे हमारा SL था। ओके, ये छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग का ट्रेड शुरू हो चुका है। और यहाँ पे आपको देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ये नियरेस्ट है, ब्रेक के बाद बैक टू बैक दो रेजिस्टेंस तक एक टारगेट को दिख सकता है। जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे कुछ 46,000, यहाँ पे देखिए ये एक टारगेट आएगा, उसके बाद ये जो अपकमिंग है। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, डू सब्सक्राइब। फॉर मोर यू कैन व्हाट्सएप। थैंक यू।